नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 30 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 4 शहरों में रिंग रोड बनाने का रास्ता साफ। बिहार में आधा दर्जन नदी जोड़ परियोजना पर जल्द शुरू होगा काम। देश के 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के इस जिले ने मारी बाजी। बिहार में अब शराब पर नकेल कसने में होगा AI तकनीक का इस्तेमाल। बिहार में 2 मई तक आंधी पानी के आसार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इसमें ही कुल मिलाकर 13 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसके तहत ही कोविड संक्रमण से जान गंवाने वालों के लिए बिहार में मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का अनुदान के लिए बिहार आकस्मिक निधि से 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक कार्यरत संविदागत कर्मी, जिन्हें 15,000 रुपए मानदेय मिलता है, उन सभी संविदा कर्मियों को EPF स्कीम से जोड़ा जाएगा। वहीं पंचम केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को 368% महंगाई भत्ता की जगह 381% देने की स्वीकृति दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये 1 जनवरी 2022 से लागू है। इसके साथ ही बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को मेट्रो से जोड़ने के लिए 373 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत व्यय पर सव्य निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सरकारी कार्यकारी एजेंसी के रूप में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को नामित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा 36,699 करोड़ रुपए बाजार ऋण सहित कुल 42,285 करोड़ रुपए के ऋण उगाही की कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है। बिहार के 4 शहरों में रिंग रोड बनाने का रास्ता साफ। बिहार की नीतीश सरकार ने जर्जर सड़कों की सूरत बदल दी है, जिसने बिहार की रंगत बदलने में बेहद ही अहम भूमिका निभाई है। साथ ही अब सड़कों के जीर्णोद्धार के साथ ही बिहार के अंदर और बाहर रोड से सफर करना बेहद ही आसान हो गया है, क्योंकि गाड़ियां अब मक्खन की तरह रोड पर दौड़ती हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि बिहार की सड़कों के निर्माण को बिहार सरकार ने अभी भी रोका नहीं है, बल्कि बिहार सरकार अभी भी जिलों और शहरों को जोड़ने का काम कर रही है। इसी कड़ी में बिहार वासियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने 4 शहरों में रिंग रोड बनाने के बिहार सरकार के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। केंद्र की सहमति के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में बिहार सरकार ने भागलपुर, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव केंद्र के सामने रखा था, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे राजकमल चौधरी की। राजकमल चौधरी हिंदी और मैथिली के प्रसिद्ध कवि और कहानीकार थे। मैथिली में स्वरगंधा कविता, राजकमलक आदि कविता संग्रह, एकता चंपाकली, एकता विषधर तथा आदि कथा, फूल पत्थर एवं आंदोलन उनके चर्चित उपन्यास है। हिंदी में उनकी संपूर्ण कविताएं भी प्रकाशित हो चुकी है। राजकमल चौधरी का जन्म उत्तरी बिहार में मुरलीगंज के समीपवर्ती गांव रामपुर हवेली में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मनिंद्र नारायण चौधरी था, लेकिन स्नेह से लोग उन्हें फूल बाबू कहकर पुकारा करते थे। बचपन के आरंभिक दिनों में उनकी मां त्रिवेणी देवी का असामयिक था। बिहार में आधा दर्जन नदी जोड़ परियोजना पर जल्द शुरू होगा काम। बिहार की आधा दर्जन नदियों को जोड़ने की परियोजना के लिए काम हो रहा है। इसमें बाढ़ और सुखाड़ से होने वाले नुकसान में कमी लाई जा सकेगी। इसमें ही बिहार सरकार की योजना के अनुसार बड़ी नदियां कोसी, मेची लिंक, सकरी नाटा परियोजना, बागमती गंगा लिंक, बागमती बूढ़ी गंडक लिंक, बूढ़ी गंडक नूनवाया गंगा लिंक और कोसी गंगा लिंक योजना शामिल है। इसके अलावा राज्य सरकार अपने संसाधनों से उत्तर बिहार से बागमती कमला और कोसी बेसिन सहित दक्षिण बिहार में पुनपुन, क्यूल, हरोहर बेसिन में छोटी नदियों को जोड़ने और उससे होने वाले फायदे की संभावनाओं का पता लगाने का काम कर रही है। हालांकि अभी इस योजना पर फिलहाल केंद्रीय जल आयोग की मंजूरी का इंतजार है। देश के 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के इस जिले ने मारी बाजी। देश भर के 115 आकांक्षी जिलों में शुमार पूर्णिया जिला सूबे में अव्वल आया है। मिली जानकारी के अनुसार ये जिला 16 मानकों में पहले स्थान पर है। सबसे खास बात तो यह है कि बिहार का ये जिला पिछले एक साल से लगातार मेहनत से 107वें स्थान से 27वें पायदान पर पहुंचने में सफल रहा है। खास बात तो ये भी है कि अब आकांक्षी जिलों की मॉनिटरिंग नियमित रूप से दिल्ली में होने वाली है। दिल्ली और पूर्णिया के बीच की दूरी को पाटने के लिए केंद्र से एक मंत्री और एक सचिव को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। पिछले दिनों दिल्ली से राज्य मंत्री सहकारिता एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास BL वर्मा और फिर सचिव आर्थिक कार्य विभाग बलदेव पुरुषार्थ का पूर्णिया आगमन हो चुका है। दिल्ली और पूर्णिया के बीच सीधी बात होगी, इससे विकास की गति में तेजी आएगी।
भारतीय खेल प्राधिकरण ने निकाली रिक्तियां। भारतीय खेल प्राधिकरण ने युवा पेशेवर के कुल मिलाकर 50 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास किसी भी विषय में मास्टर्स डिग्री और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में MBA या PG डिप्लोमा और 1 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 12 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.sportsauthorityofindia.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार म्यूजियम की तर्ज पर पुलिस संग्रहालय का होगा आधुनिकीकरण। बिहार पुलिस संग्रहालय का आधुनिकीकरण अब बिहार संग्रहालय के तर्ज पर किया जाना है, जिसके तहत ही अब इस संग्रहालय में स्थापना काल से लेकर अब तक बिहार पुलिस के पोशाक से अस्त्र शस्त्र में आए बदलाव को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही बिहार पुलिस संग्रहालय को सरकार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय भवन में शिफ्ट करने की योजना बना रही है। फिलहाल ये विधि विज्ञान प्रयोगशाला के पुराने भवन में चल रहा है। इसके साथ ही इस भवन में ब्लॉक ए में भूतल एवं प्रथम तल पर संग्रहालय के लिए दीर्घाओं का निर्माण भी किया गया है। इन दीर्घाओं में बिहार पुलिस के इतिहास से लेकर वर्तमान कार्यप्रणाली की संपूर्ण झांकी उपलब्ध करवाई जाएगी। अब कोल्ड ड्रिंक के रूप में मिलेगा बिहार का नीरा। बिहार के नीतीश सरकार अब बिहार भर में नीरा के उत्पादन को बढ़ चढ़ कर बढ़ावा दे रही है। अब तक कई जगहों पर नीरा की बिक्री भी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद ही अब बिहार आने वाले दुनिया भर के पर्यटकों को भी कोल्ड ड्रिंक के रूप में नीरा हर दुकान में मिलेगा। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने ताड़ के पेड़ से निकाले जाने वाले इस प्राकृतिक रस को बॉटलिंग में लॉन्च कर दिया है। नालंदा और हाजीपुर के प्रमुख पर्यटक स्थलों के साथ साथ पटना खादी मॉल में इसकी बिक्री की तैयारी है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही बिहार की नीतीश सरकार नीरा के उत्पादन और बिक्री पर जोर देने का काम कर रही है। बिहार के युवा वकीलों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा और बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने बीते दिन प्रेस को बताया कि राज्य के युवा वकीलों को प्रत्येक जिले में वकालत का गुर सिखाने के लिए एक वृहत योजना बनाई गई है। इसकी शुरुआत पटना से हो रही है, जो कि 15 मई को होगी। ट्रेनिंग के लिए BCI 1 करोड़ रूपया देने वाली है। पटना स्थित ज्ञान भवन में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 24 सितम्बर से होगा। आयोजित इस सेमिनार में देश के प्रधान मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के कई जज एवं पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के सभी जज, केंद्रीय कानून मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण उपस्थित होंगे। बिहार में 2 मई तक आंधी पानी के आसार। बिहार के कई हिस्सों में आंधी पानी आने के आसार जताए गए हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। उत्तर और दक्षिणी बिहार में आसमान में लगातार बादल छाए रहने की आशंका भी IMD ने व्यक्त की है। वहीं दूसरी तरफ मौसम में अचानक बदलाव आने से बिहार के तापमान में 1 से 4 डिग्री तक गिरावट भी दर्ज की गई। पूर्वानुमान से परे प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पुरवैया हवा शुरू हो गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में प्रदेश के चारों तरफ चक्रवाती सिस्टम बन गया है। इसकी वजह से हवा के रुख में अचानक बदलाव देखे जाते रहेंगे। इन सब मौसमी दशाओं के बीच में केवल बक्सर और औरंगाबाद में लू की स्थिति देखी गई है। बिहार में अब शराब पर नकेल कसने में होगा AI तकनीक का इस्तेमाल। बिहार में शराबबंदी कानून सालों से लागू है, लेकिन इन कानून की खूब धज्जियां भी उड़ाई जाती है। यही कारण भी है कि बिहार की नीतीश सरकार कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए एक के बाद एक सख्त नियमों को लागू कर रही है। इस बीच अब बिहार में शराबबंदी पर पूरी तरीके से नकेल कसने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाना है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि AI तंत्र सभी कार्यों को डिजिटल तरीके से स्वचालित करेगा। पुलिस को अब रिकॉर्ड को मैनुअल रूप से बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार शुरू होने के बाद ये राज्य में अवैध शराब व्यापार में शामिल गिरोह या व्यक्तियों को पकड़ने में पुलिसकर्मियों की मदद करेगा। मिली जानकारी के अनुसार रियल टाइम एनालिटिक्स और स्वचालित प्रक्रियाओं के साथ उनके संचालन के क्षेत्र की पहचान करना आसान होगा। सहरसा के उग्रतारा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सहरसा जिले में महिषी में स्थित है उग्रतारा स्थान। ये प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि भगवती सती का बायां नेत्र यहाँ गिरा था। ये स्थान तंत्र साधना के लिए विख्यात है। यही उद्भट विद्वान मंडन मिश्र का जन्म हुआ था, जिनकी विदुषी पत्नी भारती ने जगत गुरु शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हार का सामना करना पड़ा था। मंदिर का निर्माण सन 1735 में रानी पद्मावती ने कराया था। यहाँ बिहार के अतिरिक्त नेपाल के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। बंगाल के साधक भी यहाँ वर्ष भर पहुँचते रहते हैं। दूसरे राज्यों की वजह से जा रही है आपके घर की बिजली। अगले महीने से पहले राहत की उम्मीद नहीं। बिहार में बिजली की समस्या बढ़ती गर्मी के साथ ही बढ़ती जा रही है। गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोगों को पंखे का सहारा ही है, लेकिन बढ़ती गर्मी के बीच बिजली कटने से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। हैरानी की बात यह है कि दूसरे राज्यों की वजह से बिजली संकट झेल रहा बिहार बिजली संकट का
भीषण सामना फिलहाल करने को मजबूर है। इन सबके बीच अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगले महीने के दूसरे हफ्ते तक बिजली संकट से कुछ हद तक निजात मिले। एनटीपीसी ने तय आवंटन के अतिरिक्त मांग बढ़ने के आकलन को ध्यान में रखकर बिजली कंपनी द्वारा पावर एक्सचेंज में जाकर बिजली की खरीद करने की बात कही है। बिहार में स्वीकृत पद से इतने आईएएस अधिकारी कम। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था की कमान संभालने में आईएएस की भूमिका बेहद ही अहम मानी जा रही है, लेकिन आईएएस की फैक्ट्री कही जाने वाले बिहार में ही 154 पद आईएएस के खाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार कैडर में आईएएस अधिकारी के स्वीकृत पदों की संख्या 359 है, जिसमें अभी 205 अधिकारी है, यानी 154 पद सीधे तौर पर खाली पड़े हैं। 205 अधिकारियों में 33 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। इससे वास्तव में सूबे के 172 आईएएस अधिकारियों की ही तैनाती है। इसमें मई के अंत तक एक आईएएस राजस्व परिषद के अध्यक्ष संजीव कुमार सिन्हा रिटायर्ड हो रहे हैं, जिससे अधिकारियों की संख्या घटकर 171 हो जाएगी। अधिकारियों की कमी के कारण ही वर्तमान में 15 अधिकारियों के पास 2 या 3 या इससे अधिक विभागों का अतिरिक्त प्रभार है। आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एम्स से होंगे डिस्चार्ज। किडनी और हार्ट की समस्याओं को लेकर एम्स दिल्ली के प्राइवेट वार्ड में एडमिट राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज डिस्चार्ज होकर सीधे दिल्ली स्थित उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर जाने वाले हैं। डॉक्टर के मुताबिक उनके सारे वाइटल ऑर्गन्स ठीक है, उन्हें फिलहाल कोई परेशानी नहीं है, जिसके बाद ही उनके जल्द ही बिहार आने की उम्मीद भी अब जताई जाने लगी है। अब सप्ताह में हर दिन चलेगी हावड़ा जयनगर एक्सप्रेस। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हावड़ा से बिहार कई जिलों को होते हुए मधुबनी के जयनगर तक जाने वाली हावड़ा जयनगर एक्सप्रेस अब सप्ताह में एक दिन के बजाय 7 दिन इसका परिचालन होने वाला है। इससे बड़ी संख्या में यात्रियों को जरूर फायदा होगा। इस ट्रेन का रोजाना परिचालन हावड़ा से 3 मई और जयनगर से 4 मई से होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब यह दोनों दिशाओं में सप्ताह में एक एक दिन चलती थी, यानी कि हावड़ा से हर एक सोमवार और जयनगर से हर मंगलवार चलती थी। रेलवे बोर्ड से मिली अनुमति के आलोक में ही पूर्व रेलवे ने इसको नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ ही सभी स्टेशनों को ट्रेनों के रोजाना परिचालन संबंधी सूचना भी जारी कर दी है। पटना हाईकोर्ट ने निकाली पर्सनल असिस्टेंट पद के लिए वैकेंसी। पटना हाईकोर्ट में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। पटना हाईकोर्ट ने पर्सनल असिस्टेंट के पद पर आवेदन की मांग की है। इसके लिए हाईकोर्ट की तरफ से आवेदन भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद ही अब जो भी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार हैं वो इस आवेदन को भर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मई है, यानी कि 5 मई से पहले अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कई सड़क परियोजनाओं का किया एरियल सर्वे। बिहार में पथ निर्माण विभाग के कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम जारी है, जिसमें पटना गया धोबी, पटना रिंग रोड और गंगा किनारे गंगा एक्सप्रेसवे ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं जिन पर काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही पथ निर्माण विभाग के कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एरियल सर्वे के माध्यम से जायजा ले रहे हैं। बीते दिन जायजा लिया है। इसी कड़ी में बीते दिन सीएम ने करौटा और राजगीर पथ का सर्वे किया, साथ ही पथ निर्माण विभाग के अन्य प्रोजेक्ट का भी सर्वे किया। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने एरियल सर्वे के दौरान करौटा राजगीर पथ का निरीक्षण किया, साथ ही सीएम पटना में चल रहे अन्य सड़क प्रोजेक्ट का भी एरियल सर्वे करते देखे गए। वहीं गंगा नदी पर कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल का भी निर्माण तेजी से चल रहा है। राजद प्रदेश महासचिवों को मिला टारगेट। बीते दिन राजद कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में महासचिवों की बैठक हुई। इसमें प्रदेश महासचिव को हर पंचायत में कम से कम 1200 लोगों को सदस्यता अभियान के तहत घर घर जाकर के जोड़ने का लक्ष्य दिया गया। राजद नेताओं को 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया, उसको पूरा करने के लिए प्रदेश महासचिवों को टारगेट देने का काम किया गया है। कुछ समय पहले ही तेजस्वी यादव ने साफ कहा था कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी को कुल 1,56,12,000 वोट मिले थे, इसीलिए सभी पदाधिकारियों से आशा किया जाता है कि 1 करोड़ सदस्यता बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो मुश्किल नहीं है। मांझी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे नीतीश, तो वहीं कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में दिखे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। बीते दिन भी बिहार की राजनीति में इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। सदाकत आश्रम में कांग्रेस की इफ्तार पार्टी रखी गई, इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे। इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं के बाजार गर्म है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीतनराम मांझी की पार्टी में पहुंचे। जीतनराम मांझी की इफ्तार पार्टी में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह, जदयू विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी भी पहुंचे थे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारतीय उपमहाद्वीप को 2006 में मिली। हिंदी चलचित्रों के सदाबहार अभिनेता देवानंद को 2010 को मुंबई में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से और प्राण को फाल्के आइकॉन से सम्मानित किया गया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के मजिस्ट्रेट की जान लेने के लिए 1908 में धमाका किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय नौसैनिक 1863 में ब्रिटिश नौसेना में भेजे गए। 1870 में भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक दादा साहेब फाल्के का जन्म हुआ। 1837 में महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष हरि सिंह नलवा का निधन हुआ।
इरफान खान को याद कर भावुक हुए बेटे बाबिल। इरफान खान को गुजरे हुए 2 साल का समय हो गया। बीते दिन इरफान की डेथ एनिवर्सरी पर उनके बेटे बाबिल ने उन्हें याद करते हुए स्पेशल पोस्ट शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ लाइंस भी लिखी। बाबिल ने दरअसल इरफान की एक फोटो शेयर की जिसमें वो पत्नी सुतापा के साथ नजर आ रहे हैं। दोनों कुछ लोगों के साथ बैठे हुए बोट में है। फोटो शेयर कर बाबिल ने लिखा, डियर बाबा, मैं वो परफ्यूम याद रखने की कोशिश करता हूँ जो आप लगाते थे जब हम नॉर्थ में ट्रैवल करते थे और नॉर्वे में डांस देखते थे। मुझे आपकी खुशबू की याद है। मुझे याद है कि जो सेंसेशन मुझे होता था जब आप मेरी किस्मत बताने के लिए मेरी हथेलियों को फैलाते थे, लेकिन फिर आप मेरी नॉस्ट्रल को पिंच करते थे जो काफी डरा देता था। मैं मूव ऑन करने के लिए तैयार नहीं हूं और ना ही कभी हो पाऊंगा। अब व्हाट्सएप पर होगी पैसों की बारिश। व्हाट्सएप अब अपने यूजर को कैशबैक देने की तैयारी कर रहा है। अगर आप भी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आप भी पैसा कमा सकते हैं। दरअसल व्हाट्सएप ने अपनी पीयर टू पीयर पेमेंट सर्विस के लिए ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को लुभाने के लिए कैशबैक रिवॉर्ड्स देना शुरू करेगी। कंपनी मर्चेंट पेमेंट के लिए समान इंसेंटिव की टेस्टिंग कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी गूगल समेत अन्य प्रतिद्वंदियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। मिली जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप एक प्रोग्राम की टेस्टिंग कर रहा है जहां ये उन उपयोगकर्ताओं के लिए कैशबैक इंसेंटिव प्रदान करेगा जो सीधे ऐप से टोल और यूटिलिटी और अन्य बिलों का पेमेंट करते हैं। सुपर जायंट्स के सामने हारी किंग्स। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 20 रनों से हरा दिया। आईपीएल 2022 के 42वें मुकाबले में क्विंटन डिकॉक ने लखनऊ के लिए अहम पारी खेली। वहीं गेंदबाजी में कृणाल पांड्या ने जलवा बिखेरा। उन्होंने एक मेडन ओवर निकालने के साथ ही 2 विकेट भी झटके। पंजाब के लिए सबसे ज्यादा 32 रनों की पारी जॉनी बेयरस्टो ने खेली, जबकि कप्तान मयंक अग्रवाल ने 25 रनों का योगदान दिया। लखनऊ के लिए कृणाल पांड्या ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में महज 11 रन देकर 2 विकेट झटके। इसके साथ साथ एक मेडन ओवर भी निकाला। उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी सुरक्षा। जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का रुतबा बढ़ गया है, यानी कि अब उनके आसपास का सुरक्षा पहरा और ज्यादा मजबूत होने वाला है, क्योंकि बीते दिन ही जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने का ऐलान किया गया है। इस संबंध में गृह विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया, जिसके तहत ही गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव ने DGP और अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा को पत्र भी जारी किया है। जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर 21 अप्रैल को राज्य सुरक्षा समिति की अनुशंसा के आधार पर उपेंद्र कुशवाहा सदस्य, बिहार विधान परिषद अध्यक्ष, पर्यटन विकास समिति और पूर्व केंद्रीय मंत्री को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाती है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार समीक्षा के बाद ही उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा नीतीश सरकार ने बढ़ाई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजीव रंजन, गौतम कुमार, विकास बिहारी, राजीव कुमार, मृत्युंजय कुमार, ध्रुव कुमार, माइकल मुर्मू, जितेंद्र ठाकुर, राजीव कुमार, श्याम जी पंडित, राकेश कुमार, सलीम भाई, नजम शेफ। आप इस तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार आज IPL के मुकाबले में मुंबई क्या अपनी पहली जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।